हेलो से के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल नंबर गेम पर। तो लेट्स टॉक। तो अगर सीओडी मोबाइल जो कोरियन वर्जन है ना, तो उसका सीजन 13 का पैच नोट आ गया, और मतलब सीजन 13 के आने वाली सारी चीज़ें कंफर्म हो गई, और जो भी आना था सब सामने आ चुका है। और इसमें कुछ गन्स के नर्व बफ, ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीप्लेयर, बैटल रॉयल, नए मैप्स एंड तरह तरह के नए गन्स व इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, ठीक है। तो पहली बात करते हैं सीज़न 8 जो रैंक्ड सीज़न है, उसमें रिवॉर्ड्स क्या आने वाले हैं। तो उसमें रिवॉर्ड्स में फैनिक है तुम्हारा, AGR 556, रेजर बैक एग्स, हेलीकॉप्टर का न्यू स्किन आ रहा है, और एक रेजर नर्फ विंटर वुड का ओपी करेक्टर भी आ रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, और ये कन्फर्म होते हुए, मतलब जब कन्फर्म होता तो बहुत ही सही था यार। अभी तक तो हम तुक्के लगाते, लेकिन अब सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। और जो तुम्हारे न्यू इवेंट्स और रिवॉर्ड्स की बात करते हैं कि ये भी तो आएंगे ना, हर एक सीज़न में मिलते तुम्हें न्यू इवेंट्स और रिवॉर्ड्स, तो उनकी बात कर लेते। तो तुम्हारा न्यू QXR SMG गन देखने को मिलने वाली है, जो बहुत ही OP लग रही है दिखने में तो। और मेरे हिसाब से कि ये मतलब तुम्हारा QQ9 जैसी होगी थोड़ी थोड़ी, मतलब इसका डैमेज रेंज वगैरह बात करें, अभी कंफर्म चलाने के बाद और सामने आने के बाद पता चलेगा कैसी है। और जो न्यू असॉल्ट राइफल आ रही है तुम्हारी पेस कीपर, तो भाई ये बैटल पास में देखने को मिलेगी, हाँ नॉर्मल वाले में मिल जाएगी, और बाकी मतलब तुम्हारा टीयर वियर कंप्लीट करके कुछ ऐसा चक्कर पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें देख लेना जल्दी जल्दी टीयर इंक्रीज करना, तुम्हें वाली गन बहुत ही ओपी गन है, ये बताना चाहूँगा। और एक नया मोड भी आ रहा है जो कि ग्राइंड करके है, और ये न्यूक टाउन है, तुम्हारा क्रैश हो गया। स्टैंड ऑफ की बात करते हैं तो क्रॉस फायर, फायरिंग रेंज, रेड समेट, रस्ट, हॉकने हार्ट तो इतना बड़ा है भाई, इसमें तो TDM तक नहीं खेला जाता, और SMD खेलने में तो लग जाते हैं भाई, अजीब सा यही है। एक तो वो जब ऊपर चढ़ के बैठ जाते, किस कमेंट में करके ज़रूर बताना कि वो अनोइंग किस किस को लगता है कि लोग ऊपर चढ़ के बैठ जाते, एक जगह है छत सी और वहाँ पहुँचने में भाई बहुत दिक्कत होती है, और पहले जाते हैं भाई, ठीक है। न्यूक टाउन रशिया में भी खेलने को मिलेगा, एक ग्रैंड जो आ रहा है हमारा, ठीक है, नए मोड। और क्रिसमस के लिए स्पेशल, क्योंकि भाई क्रिसमस है तो भाई कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो क्रिसमस में स्पेशल 10v10, तो तुम्हारा दरेंड भी 10 है, उसमें चेक किल मोड अनलॉक होगा, मतलब एक तरीके से 10v10 ही, उसमें कुछ और मसालेदार चीज़ें लगा दी गई हैं, और हमारे स्पेशल UPH भैया को बहुत पसंद है 10v10, तो वो मिस कर रहे थे कि 10v10, और मुझे खुद पसंद है, एक्शन अलग लेवल का होता है लेकिन लैग भी उतना ही होता है भाई, तो देख लेना 10v10 खेलना ज़रूर। और अब बात करते हैं न्यू मैप की, जो तुम्हारा हॉलीडे रेड है भाई MP का, और ये ना मैप सीज़न 2 में आया था, और ये ना दोबारा आ रहा हूँ। सीज़न 2 में ना बहुत ही अच्छा मैप था, ये डिसेंट सा था, और मतलब कुछ लोगों से मिस कर रहे होंगे, जो पूरा कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होगा किस है, तो भाई क्या पता मज़े आते तुम्हें इस सीज़न में भी खेल के, मुझे तो बहुत मज़े आया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, सीज़न 2 में भी खेला हूँ मैं, ठीक है गेम को। और BR में एक न्यू मोड ब्लिट्स आने वाला है, इसका गेम प्ले तो नहीं दिखाया मैंने अभी तुम्हें, लेकिन जल्दी देखने को मिल जाएगा तुम्हें। और एक नया व्हीकल है स्नोबोर्ड आया, हाय 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 यार क्या खतरनाक है, और मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत मज़े आने वाले हैं इसे। जैसे हम GTA में कार चलाते रहते हैं ना भाई, मुझे तो कार चलाना पसंद है GTA में, GTA Vice City में, और भी बहुत सारे लोग थे कि कार से उड़ाते रहते थे, मैं इस बार COD मोबाइल में और ये स्केटबोर्ड चलाने वाला हूँ, यार कितना सही लग रहा था। और मैं तो सोच रहा हूँ कि जो ये थीम भी आएगी ना, और अगर स्केटबोर्ड्स ऐसा हो सकता है कि तुम्हें 4-5 स्केटबोर्ड, 6 स्केटबोर्ड एक साथ मिल जाए की जगह पे, तो इसमें रेस कराने का भी सोच रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा आइडिया है। और कुछ अभी तक वीडियो अच्छी लग रही, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना यार, देखो भाई को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट्स और ऑप्टिमाइजेशंस भी हुए हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि फ़ोन में लैग इतना हो रहा है कि मतलब ख़तरनाक, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा फ़ोन इसे चलाते चलाते। बैटल वाले तो लो ग्राफिक्स में भी इतना लैग हो रहा है, मल्टीप्लेयर ठीक ठाक चल जाता है बस। तो भाई मल्टीप्लेयर की स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो डेट मशीन की एमुनेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया, मतलब थोड़ा सा बफ कर दिया इसे। एंड फाइनली हमारे नर्व एनिलेटर, तो भाई जो मेरा फेवरेट है, मैं एक्चुअली में एनिलेटर यूज़ करना पसंद करता हूँ, भाई इसे कितना गंदा नर्व किया था, मतलब क्या पहले इससे 5-5, 6-6 शॉट्स ले लेता था, लेकिन अब नहीं ले जाते, तो भाई इसे बफ कर दिया गया। और उसका जो बुलेट रेंज ट्रैकिंग है ना, उसको इंक्रीज़ किया गया, लिटरली में अगर हल्की सी एक्यूरेसी और इंक्रीज़ हो जाती है ना इसकी, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन
हाँ भाई पहले से बफ किया गया क्योंकि मैं तो अभी वेनलेटर यूज़ करता हूँ, और ब्लास्टिक शील्ड के गन एमो को कम कर दिया गया और फैनी को भी नर्फ कर दिया है भाई। सबसे पहली बात तो ब्लास्टिक शील्ड वाले बहुत इरीटेटिंग होते थे, बहुत हरकतें मचाते, तो फाइनली इन्हें नर्फ कर दिया गया। और भाई साहब फैनिक वाले भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिसकी नर्फ हो गया भाई, कुछ लोगों का दिमाग ख़राब हो रखा था और कुछ लोग अलग मजे ले जाते, रैंक ना हो गया था, फलूदा हो गया था भाई रैंक मैच में, इतने गंदे वाली दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अकेली फैनिक का किम्बो थी भाई, और अब इतनी ज़्यादा भी किलर नहीं रही है तो भाई ये तो होना ही था एक ना दिन। और आरटी 50 को भी नर्फ मिला है भैया, इसे क्यों मिला मुझे नहीं समझ में आता, ऐसे मज़े मजाक करते रहते हैं भी। ठीक है, इसका रिकॉइल बढ़ा दिया गया एंड फायर रेट थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया, तो तुम बताओ कि इससे खुश हो कि ना खुश हो। ठीक है, और हाँ आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो भैया इसलिए गाली मत देना, क्योंकि भाई पैच नोट्स बहुत लंबे होते हैं, ये भी मैं तुम्हें शॉर्ट में करके एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कुछ चीज़ तुम्हारी मिस भी ना हो, और जो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट थिंग थी जो मेरे खुद ही नहीं समझ में आती है, फिर इधर उधर की बातें थी, कुछ कोरियन वर्जन की भी थी, और हाँ इनमें से 90% बातें हमारे 90-95% एज हमारे में भी उठ के आएगा। ठीक है, तो अब HVK 30 की बात कर लेते हैं। HVK 30 को भी नर्फ कर दिया गया क्योंकि रिसेंट एक अटैचमेंट टाइप आई थी ना, मैं शायद कुछ बुलेट्स करके नाम था, मैं भूल रहा हूँ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बफ हो गई थी, तो थोड़ा सा नर्फ किया गया है इसके। और क्रायबॉम और मोलोटॉफ को भी ना बफ मिला है और थोड़ा सा, और अगर क्रायबॉम का यूज़ हो रखा है ना और उसके ऊपर तो मोलोटॉफ छोड़ देते, मतलब जो तुम्हारी दारू की बोतल होती है पौए वाली बोतल, तो भाई वो कैराबैम को हटा देता है। वैसे क्रायबॉम तो बहुत इतना भी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ मोलोटॉफ बहुत यूज़ है, अब वैसे कम हो गया जब से नर्फ हुआ है भाई। फैनिक और मोलोटॉफ जब नए आए थे इतना दुखी किया इन्होंने भाई, ये हमेशा याद रहेगा बहुत दुखी करते हैं ये। तो अब बात करते हैं पेसमेकर MK2 का मिथिक वेपन भी आने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा ओपी, और पहले मिथिक वेपन में ना कुछ कुछ खराबी होती, तो अब ना इन्होंने थोड़ा सा इसे भी सही किया, मतलब ऑप्टिमाइज़ कर दिया बिल्कुल, तो देखते हैं अब कैसे परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत आती है तो नहीं आती। अब थोड़ी बातें करते हैं बैटल रॉयल की, अगर मल्टीप्लेयर का ही सब बता दूंगा तो बैटल रॉयल में क्या बताऊंगा। ठीक है, तो जो नेट का एक्सप्लोजन एरिया है ना वो बढ़ा दिया है, मतलब तुम्हारा ग्रेनेड को बफ मिला है, मतलब मान लो तुम्हारा जितनी दूर तक नेट का इफेक्ट रहता तब उससे ज़रा दूर का होगा। ये थोड़ा मेरे को लगता था क्योंकि ना नेट से बहुत कम किल किए मैंने, मतलब एक बहुत ही रेयर, और मुझे भी नेट से बहुत कम मारा गया है COD में। और जहाँ तक की बात करते हैं, मेरी तो फेवरेट है क्लस्टर बॉम, और क्लस्टर ग्रोम का भी ना डैमेज रेंज थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब उसका इंक्रीज़ कर दिया, वही जो तुम्हारे एरिया होता है जिसमें बम फटते हैं ना पट 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 पट, और यार कितना सही लगता है। मैंने इससे एक बार 3 बंदे नॉक किए थे, तुम बताओ कि तुमने क्लस्टर ग्रेंड से एक साथ कितने बंदे नॉक कर रखे हैं, बहुत ही अच्छे। मैं तो नेट की जगह यही लेता हूँ हमेशा, तुम भी लिया करो। ठीक है, एंड ओवरऑल गन्स की एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हुई है BR में, बैटल रॉयल में, अगर थोड़ा सा तुम बगल बगल अगल बगल पास में को खेलते हो तो थोड़ा ध्यान रख रहे हैं सब चीज़ का। अब बात करते हैं आरटी 50 की, तो भाई इसे थोड़ा सा इसमें भी नर्फ कर दिया गया है, तो भैया इसका रिकॉल विकॉल थोड़ा स्टेबिलिटी कम कर दी गया, तो भैया जो भी स्नाइपर्स हैं आरटी 50 के लवर्स हैं वो दूसरी स्नाइपर पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो स्विच करके देखो कैसा लगता है, और अगर यार शिफ्ट हुआ करो यार अच्छा लगता है। और भाई अभी कितना गंदे वाला गेम लैग हो रहा है भाई ओ भाई देख रहे हो तुम कितना गंदा गेम लैग हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ जिस टाइम का ये गेम प्ले उस टाइम में स्नाइपर में बिल्कुल नूब सा था, और फ़ोन तो अलग नशे करता है ये मेरा, और लेकिन अब थोड़ा मेरी स्नाइपिंग स्किल्स बढ़ गई हैं। वैसे तुम लोकल भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आजकल मैं DLQ चला रहा हूँ, DLQ से प्यार सा हो चुका है, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था और उसके बाद आहा क्या चुपमा क्या मजे आ रहे हैं DLQ चलाने में। ठीक है, तो एक बहुत ही कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है, कुछ लोगों के हादसा जैसा है भाई तो भाई तो तुम्हारा KN44 है, यस SG40, यस एंड किलो बोल्ट जो कोई हम बोलते हैं आधा पौने किलो, इन्हें BR से हटाया गया है, लेकिन भाई टेम्प्ररी परमानेंट नहीं है, कितने टाइम के लिए सब तो नहीं बताया कि इस सीज़न के लिए हटाया, थोड़े टाइम के लिए पता नहीं क्या कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग का सीन है, लेकिन अब तुम्हें बैटल रॉयल में नहीं देखने को मिलेंगे। तो बताओ हो भी सकता है कि 1-2 दिन 3 दिन के लिए हटाया हो, कुछ स्पेसिफाई नहीं, तुम बताओ कि इससे तुम्हें कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है। वैसे मेरे को तो मैं नहीं यूज़ करता SG40 KN44 यार, हाँ मैं अल्काट्राज में यूज़ करता हूँ, ये देखना पड़ेगा कि जो बैटल रॉयल की बात कर रही है अल्काट्राज पे भी अप्लाई होती है कि नहीं होती। और पहली बात है अल्काट्राज, हाँ एक और बात है अल्काट्राज हो सकता है कि ना है सीज़न 13 में तुम्हारा, तो देखते कैसा सीन रहता है। और बहुत सारे इन्होंने बग्स ग्लिचेस पर भी ध्यान दिया और कह रहे हमने छुमंतर कर दिए, एक तो जैसे तुम जो कूदते वूदते थे ना प्लेन से, जो तुम्हारा विंग सूट वगैरह होता था वो कई बार अजीब से उसके फ्रॉक बन जाती थी विंग सूट की सही बता रहे
ना स्कल्ट प्रॉक्सी बन जाती थी और तुम्हारा बैकपैक भी नश्य करता था और कई बार तो बंदा ही गायब हो जाता था। मैंने कई बार गन गन देखते देखते बंदे मारे, तो वो भी चीज़ हो जाती है। सामने वाले के साथ भी कई बार ऐसी होता है कि हमें दिखता नहीं है, वो सिर्फ गन दिखती है। तो वो वाली ग्लिचेस, उस तरह के ग्लिचेस पर ध्यान दिया। थोड़ा जैसे लैग वैग बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने भी सीओडी मोबाइल ने बोला कि हमने लैग वैग कम कर दिए हैं थोड़ा। तो आप बताओ कि आज के अपडेट्स और वीडियो कैसे लगी। हाँ नो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन सब कुछ बता दिया। एनर्जी पूरी है और लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे सीओडी मोबाइल के। एक दो गेम्स और आ रहे हैं अभी, अगर मेरे को कुछ होता है सिन साइबर पंक तुम्हारा, तो साइबर पंक की सीरीज़ आएगी बहुत ही ओपी कमेंट्री के साथ। एडिटिंग का मैं नहीं कह सकता कि ओपी होगी नहीं होगी, हाँ लेकिन तुम्हें ग्राफिक्स और कमेंट्री और वॉइस क्वालिटी क्लियर मिलेगी, ठीक है। तो बस तुम्हारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। तो कुछ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कुछ पसंद ना आए तो भी कमेंट कर देना यार, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तो बस आज के लिए इतना ही था। आखिरी में गाइस, लेजेंड्स नेवर डाई, कीप गेमिंग एंड बाय बाय।